We are back with another episode of Affogato with Ananya. So this is the sixth episode, and today I'm going to talk about medicine in LGLC. So please introduce yourself. Hi, myself Mayur Vilaswara Srirao. I am third year postgraduate student at AGMC, Department of General Medicine. So, shuru karte hai. So tell me, how many professors are there in your department? There are four professors, six associate professors and seven senior residents. So 20 to 25 ke aaspaas staff hai. Okay, total professors, yes. And how many PG seats are there? Two spots. There are total 11 seats, jisme se 6 rehte hai state ke liye aur 5 rehte hai all India ke liye. और ये हर साल रिशफल होता है। ओके, अभी तक कैसा रहा सफर? अभी तो काफी अच्छा रहा, काफी सीखने को मिला। सबसे अच्छी बात यह है इस कॉलेज की कि पूरे स्टेट में एक ही कॉलेज है। तुमको इतना पेशेंट लोड मिलेगा, इतना वेरायटी ऑफ पेशेंट मिलेगा कि तुम पेशेंट देख देख के थक जाओगे। और वेरायटी ऑफ पेशेंट तो है ही, ये शायद ही तुमको कहीं और मिलेगा। वो तो है, बिकॉज एजीएमसी इज द टर्शियरी केयर सेंटर। और त्रिपुरा, इनफैक्ट त्रिपुरा के आपको बांग्लादेश के भी पेशेंट्स एक गए यार, बांग्लादेश, आसाम के भी कुछ पेशेंट आता है, मणिपुर, नागालैंड, पूरे स्टेट में। गुवाहाटी के बाद तो सबसे बड़ा अगर कॉलेज तो यही है अपना, गवर्नमेंट अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो टेल मी, अपने सीनियर जूनियर्स के साथ रैबो कैसा है तुम्हारा? आई मीन काफ़ी, सबसे बेस्ट थिंग ये मेडिकल कॉलेज की और हमारे डिपार्टमेंट की जूनियर सीनियर रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ऐसा भाई और भाई, बड़े भाई और छोटे भाई के जैसा, कि तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि तुमको कोई सीनियर तुम्हें कुछ बोल रहा है या डांट रहा है। हंसी खेल से तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट चलता है। ऐसा लगता नहीं है कि तुम वार्ड में जा रहे हो, ऐसा लगता है तुम तुम्हारे घर में ही किसी का इलाज कर रहे हो, किसी को ट्रीट कर रहे हो। तो काफ़ी फ्रेंडली एनवायरमेंट है पूरे कॉलेज में और हमारे डिपार्टमेंट में। टेल मी कि डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स है और कितने कितने ओपीडीज होती है और कितना पेशेंट हो रहे हैं? जनरल मेडिसिन में देयर आर फोर यूनिट्स, चार यूनिट्स है। साथ में डेली की अगर ओपीडी की अगर बात किया जाए तो ओपीडी में फिर 70-80 मेल, 70-80 फीमेल और उतने ही 50-60 के आसपास इमरजेंसी में मिलेंगे आफ्टर 4 PM। यहाँ की ओपीडी टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद तुम्हारा रहेगा इमरजेंसी ड्यूटी। तो टोटल मिला के डेली अगर तुम देखा जाए मॉर्निंग से लेकर पूरा 24 आवर्स, तो डेली एक 150 पेशेंट्स, इतना तुम्हारा वर्कलोड है। ओके, सो क्या क्या केसेस मोस्टली तुम भी देखे हैं तुम्हारे वार्ड में? मोस्टली तो हमारे यहाँ पे अगर पेशेंट देखा जाए तो इट डिपेंड कि कौन सा सीजन चल रहा है। रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन के हिसाब से तुम्हारे को पेशेंट आएंगे, डेंगू मलेरिया एंड ऑल। यहाँ पे सब स्क्रब तो बहुत कॉमन है, स्क्रब, लेप्टोस्पायरा, ये सब बेसिकली इन्फेक्शन डिजीज के पेशेंट बहुत कॉमन है। देन तुम्हारे कार्डियो पेशेंट जितने आएंगे, तुम्हारा स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये पेशेंट जो बहुत दिखने तुम्हें से हर एडमिशन में इस कैटेगरी के तुमको 3-5-6 stroke 7-8 8-10 सेवा है तो तुमको मिली जाएंगे। इतना ज़्यादा पेशेंट लोड है। और किडनी के पेशेंट तो भर के हैं, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज, डायलिसिस के लिए हमारे इधर एडमिट होते हैं, डिपार्टमेंट है। तो काफ़ी हर जो ब्रांच के तुमको हर टाइप के पेशेंट तुमको मिल जाएंगे। ओके, तो काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। तो दोस्त हु आर इन डाउट, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत एक्सपोजर मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एज द इंफ्लुएंस ऑफ वॉट एवर ही हैज सेड टिल नाउ। देन दिस बच्चा गो, सो मयूर मुझे बताओ दैट हाउ मच अपॉर्चुनिटीज यू गेट आउटसाइड, लाइक वर्कशॉप में जाना, सेमिनार्स वगैरह, सीनियर्स, कितना मौका मिलता है? सबसे बेस्ट थिंग मैं यहाँ पे आने के बाद एक ऑब्जर्व किया, मैं मेरे दोस्तों को भी देख रहा हूँ जो त्रिपुरा के बाहर है, जो जनरल मेडिसिन कर रहे हैं, उनको शायद इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता होगा कॉन्फ्रेंस का, सीएमई का। यहाँ पे हमारे स्टेट में हर 15 दिन बाद एक सीएमई होगा, हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई स्टेट कॉन्फ्रेंस, लिवर एसोसिएटेड कॉन्फ्रेंस, कार्डियोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस होते ही रहेगा। तो कॉन्फ्रेंस एंड सीएमई हर 15 दिन बाद चलता रहता है। और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छे फैकल्टीज आते हैं, लेक्चर तुमको सुनने को मिलता है। अगर एक पूरा देखा जाए तो अल्टीमेटली वो तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट करेगा, तुमने कैसा जो भी अपडेटेड नॉलेज है वो तुमको मिलता रहेगा। एक सो नॉलेज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और पूर्ति होती रहती है। मैं डे इन माई लाइफ तो नहीं पूछूंगी बिकॉज तुम्हारा डिफर करता होगा डिफरेंट डे। सो टेल मी, व्हेन इज योर हाउज योर डेली रूटीन व्हेन यू हैविंग जिस दिन भी हमारा एडमिशन डे रहता है 9 AM 4 PM हमको ओपीडी में बैठने को पड़ता है।
आफ्टर 4 PM इमरजेंसी ड्यूटी होती है, 4 PM तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 AM कि हमारा इमरजेंसी ड्यूटी होता है। ये तो होगा तुम्हारा एडमिशन डे के दिन का ड्यूटी। दूसरा ये है कि बाकी दिन फिर तुमको जो ड्यूटी तुमको असाइन है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो तुमको यहाँ पे आईसीयू ड्यूटी करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में आईसीयू ड्यूटी, सेकंड ईयर वालों को आईसीयू ड्यूटी के साथ तुमको कॉल्स देखने को पड़ते हैं, जो भी इंट्रा डिपार्टमेंटल तुम लोगों को कॉल आते हैं वो देखना है सेकंड ईयर में। पर जब तुम थर्ड ईयर में जाओगे तब तुमको जो जितने भी सुपरविजिलेटी पोस्टिंग्स है, कार्डियो, नेफ्रो और जितने भी सुपरविजिलेटी, वहाँ पे तुमको पोस्ट किया जाएगा 15 to 21 days फॉर एच पोस्टिंग। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टिंग्स यू हैव, जो अलग अलग टाइप की ड्यूटीज होती हैं वो बता सकते हो? हाँ, बेसिकली इसमें तो फर्स्ट इज आईसीयू ड्यूटी। वीकली तुमको पर पर्सन अगर देखा जाए, जबकि 11 तुम पीजी हो, तो पर पर्सन ड्यूटीज आएगा तुमको 2 to 3 आईसीयू ड्यूटी आएगा फर्स्ट ईयर में जब तुम रहोगे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में जब तुम जाओगे तब तुम्हारा आईसीयू ड्यूटी थोड़ा कम होगा, साथ में तुमको पॉज देखने को पड़ेंगे इंट्रा डिपार्टमेंटल, वो एक है। और थर्ड ईयर में जब तुम जाओगे तब सुपरविजिलेटी बिल्डिंग, जिसमें 4 to 5 डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 15 to 21 days के आसपास पोस्टिंग रहेगा। सो टेल मी मयूर, व्हाई यू टुक अप मेडिसिन? मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं मेडिसिन लेना ही करके लिया, वैसा नहीं। तब मैं एक बात देखा, पूरा 12 महीने जब इंटर्नशिप किया तब एक बात समझ में आई कि मेडिसिन यार एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत लोगों की जान बचाएगा, द फर्स्ट रीजन विच इज़ वाई आई चूज जनरल मेडिसिन। और दूसरा है कि मेरे को ऐसा था कि मेरे को हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ मेरे को सीखना था। पैथो हो गया, फार्मा हो गया, माइक्रो हो गया, डर्मा हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ये सब सारे सब्जेक्ट है जो भी कंबाइन जब तुम ऑकुपेट करेगे तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट बनेगा जनरल मेडिसिन। और मुझे अभी लगता है कि 2 साल पहले जो सोच रहा था क्या बनना है क्या नहीं बनना है, लेकिन आज यहाँ पे अगरतला में जब सीख रहा हो तो क्या लग रहा है, नहीं यार सबसे बेस्ट डिसीजन था मेडिसिन चूज करने का। He's truly talking about what is written in his on his t-shirt, infinite possibility is yes. Very apt. So tu marathi ahe to yahan pe adjust kaise ho raha hai? Language ka koi issue nahi hai, aur rahi baat ek mahine mein tum pura bengali seekh jaoge kyunki bahut sare word marathi ke word ho, hindi ke word ho, sanskrit, to ye sab milke tumko jab koi bengali banda agar baat bhi karega na tum log ko samajh mein aayega kya chal raha hai baat. 8-10 din problem jayega, but within 1 year तुम सब सीख जाओगे पूरा बंगाली, पूरा फ्लुएंट बंगाली हो जाएगी तुम्हारा। अभी दूसरा है कि खाने का ऐसा है कि यहाँ का जो खाना है इट इज़ सिमिलर टू साउथ फूड, तो यहाँ पे मैक्सिमम बंगालीज पीपल दे उनको तो राइस फिश तो, और उसके साथ हम लोग चिकन भी मिलता है हॉस्टल के मेस पे, सो राइस फिश चिकन वेज, तो ऐसा भी खाने का भी कुछ इतना कुछ इशू नहीं है। बस हाँ, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए इशू हो सकता है क्योंकि वेज में बहुत कम ऑप्शंस है यहाँ पे। वेज मेरे को अच्छा नहीं लगा वेज, बट अगर इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो फिर तो बहुत मजे है, तो यहाँ पे त्रिपुरा में आके काफी एंजॉय कर सकते हो खाने के बारे में। सो मयूर, टेल मी अबाउट द सुपर स्पेशलिटीज इन मेडिसिन एंड AGMC में कौन कौन सी सुपर स्पेशलिटी है या नहीं है। पूरा अगर ओवरऑल मेडिसिन देखा जाए तो शुरुआत करते हैं रूमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो, एंडो, इन्फेक्शियस डिसीज, इतने सारे सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस अवेलेबल है। बट हमारे कॉलेज में तो अभी जो सुपरविजिलिटी बिल्डिंग है वहाँ पे 4 to 5 ब्रांचेस सुपरविजिलिटी में शुरू किया है, जिसमें से फर्स्ट है कार्डियोलॉजी, सेकंड वन इज एस्ट्रोएंट्रोलॉजी, थर्ड वन इज नेफ्रोलॉजी एंड फोर्थ वन इज न्यूरोलॉजी। इसके साथ हम रेगुलरली रिमेट की एक OPD निकालते हैं जो कि रहती है ट्यूजडे को, और एक रहती है हीमेटोलॉजी की जो कि रहती है सैटरडे को। सो तुझे किस में करना है सुपर स्पेशलिटी? अरे यार इतने अभी तो बस थर्ड ईयर में गए हैं। सो मयूर, तूने महाराष्ट्र से MBBS किया है, तो कैन यू टेल द डिफरेंसेस और यू नो कंपेयर महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन सिस्टम विद द लर्निंग एंड योर रेसिडेंसी एंड ओवरऑल इन त्रिपुरा? सो अगर सबसे बड़ा डिफरेंस अगर कही है तो जैसे कि महाराष्ट्र के में जो 4 मेडिकल कॉलेज है बेसिकली फ्रॉम मुंबई, पुणे, नागपुर एंड औरंगाबाद, यहाँ पे ही तुमको सुपर स्पेशलिटी के पोस्टिंग्स है, सुपरविजिलिटी के ब्रांचेस अवेलेबल है जो कि फुल्ली फंक्शनल हैं। बट जितने भी फिर मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे इतना सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और ना भी डिपार्टमेंट है। ये यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ है, अगरतला इज़ अ कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, सो यहाँ पे तुम्हारा सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है जहाँ पे सब जितने भी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस की पोस्टिंग्स है सब फुल्ली फंक्शनल है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है महाराष्ट्र के, अगर ये 4 अगर अपन सिटीज हटा दे
तो यहाँ के अगर उसके बाद अगर तुमको कोई कॉलेज अगर चूज करना है एज कम्पेयर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज कम्पेयर टू द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंडेड फॉर AGMC मेडिसिन. किन एस्पिरेंट्स को देख पीछे एस्पिरेंट्स जो अभी काउंसलिंग के लिए भी फिलअप कर रहे होंगे, किनको मेडिसिन लेना चाहिए? ऐसा नहीं है कि बस पढ़ पढ़ के तुम पेशेंट, बिना पेशेंट देखे नॉलेज तो नहीं बढ़ेगा तुम लोगों को. हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेंटली टफ होना चाहिए, प्रोफेसर ने डांटा तो डांट सुन लेना चाहिए, सुनने के बाद भी तुमको काम करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यार मेरे को किसी ने डांटा तो रोते रह गए. वो अगर वैसा अगर होता होगा तो डांट खाने की क्षमता और काम करने की क्षमता, ये दोनों होने चाहिए. सो इन शॉर्ट मेंटली वो स्ट्रांग रहना, ज़्यादा मतलब सेंसिटिव अगर हो भी तो लर्न टू यू नो यू कैन ऑलवेज लर्न द कोपिंग मैकेनिज्म्स. थोड़ा कोई भी दिक्कत तो हम साइकेट्री वाले तो है ही सिखाने के लिए. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भाई तुझे हफ्ते में कितने दिन ऑफ मिलता है ये बता. अच्छा छुट्टी में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी तुम NMC ने जितना तुमको छुट्टी दिया है 12 से 20 उतना ही छुट्टी है. और वैसे तो हार्ड वर्किंग PG हूँ मैं, तो मेरे को तो कोई छुट्टी देता भी नहीं और मैं लेता भी नहीं हूँ. अल्टीमेटली जनसेवा ही ईश्वर सेवा. नेता आदमी. अरे सो टेल मी अबाउट द PG एक्टिविटीज इन योर डिपार्टमेंट. एक्चुअली हमारे प्रोफेसर HOD सर और दूसरे प्रोफेसर है, PG एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट है. वीकली 3 PG एक्टिविटीज़ होते हैं, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे. मंडे को थर्ड ईयर केस प्रेजेंट करता है, वेनसडे को सेकंड ईयर प्रेजेंट करता है और सैटरडे को या फ्राइडे को फर्स्ट ईयर प्रेजेंट करता है. इसके साथ ये सब में PG एक्टिविटीज़ में सेमिनार्स भी इंक्लूडेड है और साथ में डेथ रिव्यू एंड जर्नल क्लब, ये सब भी इंक्लूडेड है इसमें. So we are done with the shooting. Thank you Ananya for inviting me on your vlog. काफी अच्छा experience रहा, पहला vlog था मेरा भी. तुम तो करते ही हो, काफी famous हो यहाँ में. So सबको request करूँगा हमारे channel को like करे, subscribe करे और ये video को हमेशा share करे. और किसी को भी medicine AGMC यहाँ पे अगर किसी को लेना है, कोई doubt है तो comment section में question पूछ लेना. Personally हर question का मैं answer. पूरा मध्ये टेन्शन घ्यायचं काही गरज नाही आहे, आपलंच घर आहे, आम्ही इथलंच आहो. काही प्रॉब्लेम आला तुम्ही बिंदास इकडे या, आम्ही सर्व बघून घेऊ तुमचं, ठीक आहे ना? तर मित्रांनो नक्कीच AGMC नक्कीच सिलेक्ट करा मेडिसिन. थँक्यू.